देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। अब मॉस्को में भी बनकर तैयार हुआ नया स्टूडियो। ब्रह्मा कुमारी संस्था के रशिया स्थित मॉस्को सेवा केंद्र में भी एक नया स्टूडियो का निर्माण किया गया है, जिससे रूस में अन्य शहरों में भी सेवाओं के विस्तार के लिए कंटेंट तैयार किए जाएंगे। प्योर विजन नाम से बने इस स्टूडियो का उद्घाटन रशिया में भारत के एम्बेसडर डॉक्टर विनय कुमार, मॉस्को क्षेत्र की निदेशिका बीके सुधा समेत कई लोगों के कर कमलों से किया गया। भारत सरकार ने विनय कुमार को रशिया में भारत का एम्बेसडर बनाया है। वे एम्बेसडर बनने के बाद पहली बार ब्रह्मा कुमारी संस्थान पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि स्टूडियो में बनने वाले कंटेंट से लोगों के जीवन में खुशी और जीवन जीने की कला का विकास होगा। एम्बेसडर डॉक्टर विनय कुमार तथा उनकी धर्मपत्नी लोना सिन्हा के मॉस्को सेवा केंद्र पहुंचने पर रशियन अंदाज में उनका स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान मॉस्को क्षेत्र की निदेशिका बीके सुधा, बीके इरिना ने उनका फूल गुलदस्ते से सम्मान किया, जिसके पश्चात उन्होंने मॉस्को में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से भी स्नेह भरी मुलाकात कर संबोधित करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। With the excellent technology and more important, even better and more competent people who are running this studio, I am very sure that this studio will fulfill with the purpose for which it has been created, that is to spread knowledge through the modern technology, given the outreach that it can have in this age of internet and online information. कार्यक्रम के बाद उन्होंने बाबा कमरे तथा पूरे ब्रह्मा कुमारी केंद्र का अवलोकन किया। बीके सुधा और बीके विजय ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। बीके शिवानी ने हैदराबाद के शांति सरोवर में असंभव को संभव करने के दिए टिप्स। एक सकारात्मक विचार किसी भी स्थिति को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। जब हम एक सकारात्मक विचार को सोचकर इसे लगातार अपने मन के अंदर रखें तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और चीजें बदल जाएंगी, असंभव भी संभव होगा। सकारात्मक विचार के साथ शुरुआत करें, ऐसी कई गहरी बातों से संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने हैदराबाद के शांति सरोवर में सभा को उद्बोधित किया। हर सोच हर बोल हमारी शक्ति को या तो यहाँ लेकर जाएगा, हर सोच और बोल या तो हमारी शक्ति को यहाँ लेकर जाएगा। सो संकल्प से सिद्धि मीन्स इसको फिट करना है, जो दिख रहा है वो नहीं बोलना है, जो देखना चाहते हैं वो बोलना है, और बोल बोल कर उसको बहुत जल्दी वहाँ देख लेंगे। विच मीन्स वट एवर इज द करंट रियालिटी, डोंट थिंक, डोंट स्पीक, थिंक एंड स्पीक दैट वॉट यू वॉन्ट टू सी। अवेकनिंग टू द कॉल ऑफ टाइम और हील द हीलर विषय पर हुए इस आयोजन में शहर के कई गणमान्य लोग एवं नामचीन हस्तियाँ बीके शिवानी को सुनने पहुंची। टेक अ 5 सेकंड, 3 सेकंड पॉज एंड से आई एम पावरफुल, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, God's blessings around me. Now change the energy of the water, add your mantra to it, and now you drink. This water has changed. Jaisa ann, vaisa man, jaisa pani, vaisi vani. Your vibration changes with food and water. सभी ने बीके शिवानी का मुक्त कंठ से स्वागत सत्कार किया, साथ ही आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने का संकल्प भी किया। First of all, I'm extremely grateful to Brahma Kumari's organization for giving us this opportunity. For all the doctors and healers to be here today to listen to Sister B.K. Shivani. Shivani Didi, as she is often called, is of course extremely famous, known all over the, not only country but world. She brings peace and ushering shanti to our mind. महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में हुई कार्यशाला में विशेष संबोधन। आध्यात्मिक सत्ता चैतन्य है जबकि शरीर जड़ है। चैतन्य से अभिप्राय है कि उसके अंदर सोचने, समझने, चुनने, निर्णय करने, महसूस करने की योग्यता है। इस संचेतना के विकास का विज्ञान ही आध्यात्म है। यह बात कही बीके किरण ने, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपेक्ष में भारतीय ज्ञान परंपरा शिक्षा में आध्यात्मिकता विषय पर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में सभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि अध्यात्म को नकारना जैसे कि स्वयं के अस्तित्व को नकारना है। इस अवसर पर उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में आगामी होने जा रहे राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन की जानकारी दी और उपस्थित शिक्षा शिल्पियों को निमंत्रित किया। पढ़ाने जाते हैं तो स्पिरिचुअलिटी
हम कोई एक भौतिक शरीर नहीं है जिसके अंदर एक आध्यात्मिक सत्ता समा गई है, इससे उल्टा हम एक आध्यात्मिक सत्ता है जिसने ये भौतिक शरीर लिया है कपड़ों की तरह। दिस इज लाइक कि यू टेक योर ड्रेस आउट फ्रॉम द वार्डरोब एंड यू वेयर इट, ड्रेस डजंट कॉल यू एंड कपड़े आपको नहीं पहनते, आप कपड़ों को पहनते। कार्यक्रम में सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर नीलिमा गुप्त, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कुलगुरु प्रोफेसर शुभा तिवारी, हिंदी ग्रंथ एकेडमी के संचालक डॉक्टर अशोक कडेल, उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय से प्रोफेसर धर्मेंद्र मेहता, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कुल सचिव यशवंत सिंह पटेल, कला संकाय की अधिष्ठाता डॉक्टर पुष्पा दुबे, कार्यशाला संयोजक डॉक्टर एस के छारी समेत कई शिक्षाविद मौजूद रहे। लगभग 100 शिक्षाविदों ने इस आयोजन में भाग लिया। ओडिशा राउरकेला में लाठीकटा के पंचायत घर में नशा मुक्त भारत अभियान और नेत्र परीक्षण शिविर में करीबन 50 स्थानीय लोगों ने लाभ उठाया। इस कार्यक्रम में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर समीर पत्रा, आई सेक्रेटरी सहित ऑप्टोमेस्ट्रिक रविंद्र कुमार महापात्र ने मरीजों का परीक्षण किया। तत्पश्चात बीके धनंजय ने सबको नशे से होने वाली बीमारियों और उसके बचाव की जानकारी दी तथा बीके राजीव ने इन बीमारियों से खुद को और समाज को बचाने के लिए शपथ ग्रहण करवाई। आगे जलडा सेवाश्रम विद्यालय, सरकारी उर्दू प्राइमरी स्कूल, लाठीकटा साप्ताहिक मार्केट में भी अनेक लोगों ने स्वेच्छा से बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, शराब आदि दान देते हुए होम्योपैथी दवाई लेकर उन्हें जीवन उपरांत त्यागने की शपथ ली। इन कार्यक्रमों के दौरान एक निष्कर्ष सामने आया कि नशे का मुख्य कारण किसी न किसी प्रकार का मनुष्यों में बढ़ता हुआ विकार अथवा तनाव है और इस बीमारी का कारगर इलाज आध्यात्मिक सशक्तिकरण ही है। इन सभी कार्यक्रमों में विशेष पौधारोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प भी किया गया। कोयलनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके जयश्री, बीके उमेश, बीके चित्रंजन और बीके अंजू का आयोजन में पूरा सहयोग रहा। बैलेंसिंग मटेरियल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, इस विषय को लेकर नेपाल के काठमांडू स्थित वसुंधरा सेवा केंद्र पर संस्था के युवा प्रभाग द्वारा कार्यक्रम का आगाज हुआ। आयोजन में करीबन 200 युवाओं ने शामिल होकर इंटीग्रेटिंग मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग पर चर्चा की, साथ ही अलग अलग मेडिटेशन सेशंस में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बीके विजय ने युवाओं को अपनी भौतिक गतिविधियों के साथ साथ आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता पर भी जोर देने की बात कही। बीके रोजी, बीके कुसुम, बीके मेनुका, डॉक्टर रॉबिन कटवाल और डॉक्टर खगेंद्र द्वारा सेशंस में वक्तव्य देकर मार्गदर्शित किया गया। कार्यक्रम का समापन एक निर्देशित ध्यान सत्र के साथ हुआ जिससे प्रतिभागियों को शांति की अनुभूति हुई। कर्नाटक राज्य पुलिस वायरलेस प्रशिक्षुओं और CRPF के जवानों के लिए बेंगलुरु BTM लेआउट सेवा केंद्र द्वारा रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में DSP, ACP, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित लगभग 350 सदस्य शामिल हुए। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके कल्याणी ने रक्षाबंधन के आध्यात्मिक महत्व और स्वयं को सशक्त बनाने में राजयोग ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान की भूमिका को खूबसूरती से समझाया। इसके बाद एक संक्षिप्त निर्देशित ध्यान सत्र भी हुआ। कार्यक्रम में सभी को राखी बांधी गई, साथ ही अपनी दिनचर्या में थोड़ा समय निकालकर राजयोग ध्यान करने की प्रेरणा दी गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।